दोस्तों स्वागत है आपका जनसेवा हेल्प यूट्यूब चैनल पर। मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आधार कार्ड परफेक्ट आईडी साइज कैसे बनाते हैं। कुछ समय पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था, आधार कार्ड बनाना सीखें, आपके सामने यहां पर है, देख सकते हैं। आप लोगों ने इस वीडियो पर बहुत प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। कुछ लोगों ने कमेंट किया था इस पर कि ये बहुत लेंदी प्रोसेस है, इससे बहुत टाइम के बाद में हम आधार बना पाते हैं और इतना समय हमारे पास नहीं रहता क्योंकि हमारे पास और भी कस्टमर रहते हैं, तो उनके लिए ख़ास तौर से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो को आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो उसके बाद आप जान पाएंगे, एक सेकंड में ही आप इस तरह से आधार कार्ड बना पाएंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना देर किए, चलिए देखते हैं कि हम इस तरह से एक सेकंड में आधार कार्ड को कैसे बना पाते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम आधार कार्ड के PDF को ओपन कर लेते हैं। ये आपके सामने आधार कार्ड मैंने ओपन कर लिया है। जब भी आप आधार कार्ड ओपन करेंगे तो उसमें पासवर्ड, उसके नाम का पहला 4 अक्षर जो रहता है वो कैपिटल लेटर में, और बर्थ का जो ईयर रहता है वो आप डालेंगे 4 डिजिट में, तो आपका आधार कार्ड ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आधार कार्ड ओपन होने के बाद में हमें इसका स्क्रीनशॉट करना है। इसके लिए आप यहाँ से फाइल में जा कर के एडिट में जा कर के टेक स्क्रीनशॉट ऑप्शन का यूज़ करके भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था। या फिर आप अगर इस तरह से आपके जो PDF या एडोब रीडर है, एक्रोबेट रीडर है, उसमें ये ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप स्टार्ट पर क्लिक करें और स्नैपिंग टूल्स का यूज़ करके भी आप कर सकते हैं। तो चलिए मेरे इसमें एडिट में जाएंगे हम यहाँ पर और टेक स्क्रीनशॉट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में यहाँ से परफेक्टली पहली बार में ही परफेक्टली यहाँ से हम सिलेक्शन बनाएंगे इस तरह से करके और फिर छोड़ देंगे। ये थोड़ा सा ब्लिंक होगा एक बार, इसका मतलब ये कॉपी हो चुका है, ठीक है। इतना होने के बाद में हम पहुंचेंगे फोटोशॉप में। फोटोशॉप में कंट्रोल एन करेंगे, एन करने के बाद में जो रेजोल्यूशन है उसको 300 कर देंगे, 300 के बाद ओके करेंगे और फिर कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे, ठीक है। जो भी शॉर्टकट हम यूज़ करते हैं वो आपको यहाँ दाहिनी तरफ कोने में दिखाई देती है, तो इस तरह से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पर काम शुरू होता है कि अब हमारा जो आधार है वो ऑटोमेटिक कैसे बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमको एक्शन क्रिएट करना होगा, ठीक है दोस्तों। तो हम यहाँ पर जिस तरह से मैं स्टेप आपको बताऊंगा उसी तरह से आपको करना है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें और आप बिल्कुल उसी तरह से ही करें, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ पर इस पैनल में यहाँ लिखा हुआ है एक्शन, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देख सकते हैं एक ऑप्शन लिखा है क्रिएट न्यू एक्शन, इस पर क्लिक कर देंगे। क्रिएट न्यू एक्शन क्लिक करने के बाद में यहाँ पर हम लिख देंगे एक्शन का नेम, मान लीजिए मैं लिख देता हूँ आधार कार्ड, ठीक है। और इसके लिए हम कुछ कीज़ वगैरह सेट कर सकते हैं, यहाँ पर यहाँ से क्लिक करेंगे नन, हम चलिए F2 सेट कर देते हैं, F2 शिफ्ट हटा देते हैं, कंट्रोल भी हटा देते हैं, यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट नहीं हट रहा, शायद पहले से मैंने कोई फंक्शन यूज़ किया हुआ है F2 पर इसलिए। चलिए कोई बात नहीं, आप यहाँ से कुछ भी रख सकते हैं, चलिए मैं कंट्रोल F2 करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, कंट्रोल F2 से। तो यहाँ से कंट्रोल F2 मैंने दिया है, याद रखिएगा। अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे रिकॉर्ड पर, रिकॉर्ड, अब यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो रिकॉर्ड हो रही हैं। इसके बाद अब हम यहाँ से मार्की टूल लेंगे, मार्की टूल लेने के बाद में इस तरह से फ़ोटो के थोड़ा ज़्यादा दूर तक यहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में इमेज पर जाएंगे, एडजस्टमेंट पर जाएंगे और ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट पर जाएंगे और यहाँ से थोड़ा सा ब्राइटनेस को बढ़ा देंगे और कंट्रास्ट थोड़ा सा बैलेंस करेंगे और देखेंगे कितने पर हमारा जो फ़ोटो है वो परफेक्ट आ जा रहा है। यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, नहीं अलग अलग आधार कार्ड में ये अगर ये लेवल लगाएंगे आप तो उसका फ़ोटो जो है बेकार हो सकता है। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा नॉर्मल ही रखेंगे। पहले तो बहुत ज़्यादा दिक्कत था फोटो में, देखो एकदम ब्लैक से था, फिर भी यहाँ से आप जब बैलेंस करेंगे तो काफ़ी हद तक ही क्लियर हो चुका है, अब इससे ज़्यादा क्लियर इसमें ना करें। उसके बाद में ओके कर दें। ओके करने के बाद में इसके जो फ़ोटो है इसके अलावा हमको जितना भाग बचा है उसको सेलेक्ट करना है, तो हम जाएंगे सेलेक्ट पर और यहाँ पर इन्वर्स पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद हम यहाँ से लेवल को एडजस्ट करेंगे, तो यहाँ पर एडजस्टमेंट में जाएंगे और लेवल्स में क्लिक करेंगे, इस तरह का पॉपअप बॉक्स आएगा, फिर हम टैब बटन को दबाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे 0.50 और फिर ओके कर देंगे। फिर हम कंट्रोल डी या फिर सेलेक्ट में जा करके यहाँ पर डी सेलेक्ट को क्लिक कर देंगे,
इस तरह से हमारा आधार कार्ड में जो कलर बैलेंस था वो बिल्कुल परफेक्टली हो जाएगा। उसके बाद में हम यहाँ से मार्कर टूल लेंगे और यहाँ बाहर से खींच के सेलेक्ट कर देंगे, यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में कंट्रोल सी प्रेस करेंगे। हम जो भी शॉर्टकट यूज़ करते हैं यहाँ पर देखो दाहिनी तरफ नीचे दिखाई देता है कंट्रोल सी। उसके बाद में हम यहाँ जाएंगे कंट्रोल एन, या फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे A4 लगाएंगे, CMYK लगाएंगे, ओके करेंगे और फिर इसको थोड़ा सा पेज को बढ़ा लेंगे और यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम पेस्ट पर क्लिक करेंगे, पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद में हम यहाँ पर जाएंगे फ्री ट्रांसफॉर्म, उसके बाद में हम यहाँ से जाएंगे विड्थ और हम यहाँ पर देंगे 8.5 सेंटीमीटर, फिर यहाँ पर 5.5 सेंटीमीटर और यहाँ पर टिक कर देंगे। फिर जाएंगे एडिट में, स्ट्रोक में और यहाँ पर ब्लैक कलर लगाएंगे और यहाँ पर 1px का बॉर्डर देंगे, ओके करेंगे। अब मूव टूल की मदद से इसको हम बिल्कुल कॉर्नर में यहाँ पर सेट कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से करने के बाद वापस से अपनी फाइल पर आते हैं, इसको बड़ा कर लेंगे, कंट्रोल डी करेंगे एक बार, फिर यहाँ से मार्कर टूल से इस तरफ से सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद में इस तरह से सेलेक्ट करेंगे, फिर कंट्रोल सी प्रेस करेंगे। ठीक है, उसके बाद में ये जो फाइल थी हमारी यहाँ क्लिक करेंगे, कंट्रोल वी करेंगे, फिर कंट्रोल टी करेंगे, या फिर हमने जैसे बताया था ट्रांसफॉर्म वहाँ क्लिक करेंगे, फिर 8.5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर दो बार एंटर करेंगे, यहाँ पर टिक का निशान लगा तो वहाँ क्लिक करेंगे, फिर स्ट्रोक करेंगे, ओके करेंगे और उसके बाद में मूव टूल लेंगे और आधार कार्ड को यहाँ पर सेट कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से गैपिंग को बिल्कुल से एडजस्ट कर लेंगे, यहाँ पर आपका आधार कार्ड रेडी हो गया है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से इस एक्शन को बंद कर देते हैं, स्टॉप। ठीक, इस तरह से हमारा एक्शन रिकॉर्ड हो चुका है, अपनी फाइल को बंद कर देते हैं और इसको भी बंद कर देते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये एक्शन काम कर रहा है या नहीं। मैंने एक्शन को कंट्रोल F2 से असाइन किया था तो मैं अब देखता हूँ कि ये काम करेगा या नहीं करेगा। तो इसके लिए हम फिर अपने आधार कार्ड पे चलते हैं और यहाँ से एडिट और फिर टेक का स्क्रीनशॉट, यहाँ पर जो ऑप्शन मिलता है वहाँ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में यहाँ से आधार कार्ड का स्नैपशॉट या स्क्रीनशॉट यहाँ से निकालेंगे। निकालने के बाद में फोटोशॉप में, उसके बाद में न्यू फाइल, न्यू में आ जाएगा कस्टम, यहाँ 300 रखेंगे, 300 के बाद में ओके करेंगे। ओके करने के बाद में यहाँ पर जाएंगे एडिट में और हम यहाँ से पेस्ट कर देंगे। इसके बाद में सिंपली हमको कुछ नहीं करना है, अब हमको कंट्रोल के साथ में F2 प्रेस करना है। अब देखते हैं क्या होता है। वाओ, ग्रेट, देखा मैंने कहा था 1 सेकंड में आपका आधार कार्ड बना लेंगे और आपके सामने एकदम साक्षात में दिखा रहा हूँ कि 1 सेकंड में ही आधार कार्ड बन गया है। ठीक है दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ। कई लोग सोच रहे होंगे कंप्यूटर बंद करने के बाद में एक्शन डिलीट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं यहाँ से फोटोशॉप प्रोग्राम को बंद कर देता हूँ। ठीक है, फोटोशॉप प्रोग्राम को बंद कर दिया है। अब देखते हैं हमारे पास में ये आधार कार्ड है, मैं फिर से आपको दिखाता हूँ। यहाँ से मैं लूँगा स्नैपशॉट, यहाँ से देखिए, यहाँ से ये देखिए, यहाँ से ध्यान रखिएगा स्नैपशॉट बहुत सफाई से लीजिएगा, किनारे के बॉर्डर ना ही आए तो बेहतर रहेगा। इस तरह से स्क्रीनशॉट लेने के बाद में हम जाएंगे फोटोशॉप में, क्लिक करेंगे, फोटोशॉप ओपन हो रहा है। फोटोशॉप ओपन होने के बाद में यहाँ पर देखिए थोड़ा वेट करते हैं। अब हम जाएंगे न्यू पर, न्यू जाने के बाद कस्टम आ गया, यहाँ पर रखेंगे 300, उसके बाद में ओके कर देंगे और फिर हम जाएंगे एडिट में और पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद में कंट्रोल F2 मैंने असाइन किया था तो कंट्रोल के साथ में मैं F2 बटन दबा रहा हूँ और फिर देखता हूँ ये हो रहा है या नहीं। और देखिए आपके सामने बिल्कुल से आधार कार्ड रेडी है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए बिल्कुल परफेक्टली एकदम बढ़िया से लगा हुआ है। तो आप इस तरह से एक बार मेहनत करके एक्शन बना लीजिए दोस्तों, उसके बाद में आपको कुछ भी नहीं करना है। आप जो भी शॉर्टकट सेट करेंगे सिर्फ आपको वही शॉर्टकट प्रेस करनी है और उसके बाद में आपके पास में स्क्रीन पर आधार कार्ड बिल्कुल रेडी हो जाएगा। उसमें फ़ोटो भी, जो उसका वाइट बैलेंस है, जो उसका कलर बैलेंस है, वो सब हो जाएगा और जो ऊपर झंडे का निशान, जब मेरा आधार मेरी पहचान है, सब है ना, इसका जो भी कलर है वो भी बैलेंस हो जाएगा, स्ट्रोक लग जाएगा नहीं, इसके अंदर बॉर्डर लग जाएगा और पूरी तरह से कम्प्लीटली ये बन के और परफेक्ट साइज़ में, जो ATM कार्ड या ID कार्ड का साइज़ होता है उस साइज़ में आकर के पेज पर प्रॉपरली सेट हो जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। वीडियो को बार बार देखिए,
एकदम स्लो करके देखिए, धीरे धीरे देखिए, रोक रोक के देखिए, एक एक एक्शन को जैसे मैंने बताया वैसे ही रिकॉर्ड करिए, ठीक है, वैसे ही रिकॉर्ड करिए, आप एकदम परफेक्टली ये बना पाएंगे। और बहुत ही आसानी के साथ में जो भी शॉर्टकट के आप सेट करेंगे उसको आप प्रेस कर जैसे ही करेंगे तुरंत ही आपके सामने स्क्रीन पर रेडी हो जाएगा। दोस्तों बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। इस तरह से बहुत सारी वीडियोस हम अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने बनाया है कि जो भी आप मैट्रिक्स स्कैन करते हैं वो दोनों जो साइड रहेंगे आधार के इस तरह से एक फाइल में कैसे करें, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनाना, प्लास्टिक के आधार कार्ड, तमाम वीडियोज़ आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर अपलोड है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हम जो वीडियोज़ अपलोड करें वो आपको रेगुलरली मिलती रहे। माफ़ी चाहते हैं, काफ़ी समय से लगभग एक महीने से हम वीडियो नहीं डाल पा रहे थे, कुछ ऐसी परेशानी में थे। अब आइंदा हम रेगुलर वीडियो डालेंगे। और एक गुजारिश है आप लोगों से कि जो भी वीडियोज़ आप चाहें, जो भी टॉपिक पर आप वीडियोज़ चाहें, प्लीज़ कमेंट किया करें, कमेंट में बताया करें कि हमको इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो हम ज़रूर उस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे जिससे आप लोगों की मदद हो सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ में, तब तक देखते रहें।